तो आज हम पढ़ेंगे जीन्स के बारे में जीन क्या होते हैं और जीन के कितने टाइप्स होते हैं तो जीन्स आर द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल और जीन्स के टाइप जीन्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं जिनमें से हाउस कीपिंग जीन्स लग्जरी जीन्स, साइलेंसर जीन्स, ओवरलैपिंग जीन्स म्यूटेबल जीन्स स्प्लिट जीन्स एनहांसर जीन्स जंपिंग जीन्स और स्यूडो जीन्स उसके बाद दो जीन्स और हैं जो है गैप जीन्स और सेगमेंटेशन जीन्स। तो फर्स्ट इज़ हाउस कीपिंग जीन्स हाउस कीपिंग जीन्स को कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स भी बोलते हैं बेसिक फंडा ये है इन जीन्स का कि इन जीन की रिक्वायरमेंट इन जीन्स की रिक्वायरमेंट बॉडी को हर वक्त होती है क्योंकि जो बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं उनकी उनको पूरा करने के लिए इन जीन्स की ज़रूरत पड़ती है ठीक है और ये जो जीन्स होते हैं ये सेल स्पेसिफिक होते हैं मतलब जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं उन सभी में ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पर ये एक्टिव रहते हैं जो प्रोडक्ट बनते हैं इन जीन्स से जो ये जीन्स प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे जो आर आर एन ए हो गया टी आर एन ए हो गया राइबोसोमल सब यूनिट्स हो गया उनकी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को ताकि जितनी भी जो ये प्रोसेसेस हो सकती हैं बॉडी की जितनी भी जो रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं वो पूरी हो सकें तो जो ये जीन्स हैं इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि ये जीन्स एक्टिव रहते हैं सभी टाइम पे और ये जो जीन्स हैं ये ट्रांसक्राइब्ड करते रहते हैं हर वक्त तो जैसा यहाँ पे लिखा है कि रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं जैसे रेस्पिरेशन आता है लग्जरी जीन्स जिनको बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स लग्जरी जीन्स मतलब समझ में आ ही रहा होगा कि जैसे जो लग्जरी चीज़ें होती हैं वो हर वक्त हमारे पास अवेलेबल नहीं होती और उनकी ज़रूरत भी हर वक्त नहीं होती ठीक है तो क्या है कि ऐसे जीन्स जो आ, ऐसे जीन्स जो एक पर्टिकुलर टाइम पे यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम पर ही एक्टिव होते हैं वो हर वक्त एक्टिव नहीं रहते तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है हाउस कीपिंग जीन्स के हाउस कीपिंग जीन्स को जैसे कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स भी बोलते हैं उसी तरह से लग्जरी जीन्स को नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स भी बोलते हैं ठीक है उसके बाद क्या होता है कि वैसे ये कुछ टाइम के लिए यानी कि स्पेसिफिक टाइम के लिए एक्टिव रहते हैं उसके बाद फिर इनएक्टिव हो जाते हैं तो एग्जाम्पल है इसके एग्जाम्पल ऑफ लग्जरी जीन्स आर प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया एंड जीन्स कोडिंग फॉर हीट शॉक प्रोटीन्स उसके बाद है ओवरलैपिंग जीन्स ओवरलैपिंग जीन्स क्या होते हैं इन जीन्स में क्या होता है कि जो जीन्स का कोड एक जीन का कोडिंग सीक्वेंस दूसरे जीन के कोडिंग सीक्वेंस के ऊपर ओवरलैप करता है और ये मेनली देखा गया है वायरसेस और बैक्टीरिया में ठीक है उसके बाद आता है स्प्लिट जीन्स स्प्लिट जीन्स क्या होते, है? होते, है? होते है। हैं मेनली क्या होता है इनमें एक्जॉन और इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जैसे एक्जोन जैसे ये एक्जोन है और ये इंट्रॉन है फिर एक्सॉन फिर इंट्रॉन ऐसे आएगा अब जो इंफॉर्मेशन होती है ना वो प्रेजेंट होती है एग्जॉन्स में ठीक है तो उसके बाद इन यू कैरियोड्स प्रेजेंस ऑफ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग जीन्स आर द एग्जांपल ऑफ स्प्लिट जीन्स ठीक है उसके बाद फिर आते हैं एनहांसर जीन्स एनहांसर जीन्स क्या करते हैं कि एनहांसर जीन्स के पास में जो भी जीन प्रेजेंट होते हैं ये उनमें ट्रांसक्रिप्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं ठीक है इन दिस केस डीएनए सीक्वेंस ऑफ ए जीन अफेक्ट्स द ट्रांसक्रिप्शन मकैनिज्म ऑफ नियर बाई जीन उससे क्या होता है इंक्रीजिंग द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन उसके बाद देखिए कि जो एनहांसर होते हैं ये क्या होते हैं एक शॉर्ट रीज़न ऑफ डीएनए होते हैं ठीक है और वहाँ पर क्या होता है प्रोटीन से बाउंड होते हैं ये और फिर सेम फंक्शन है प्रोटीन से बाउंड होंगे फिर क्या करते हैं ये ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज कर देते हैं पर्टिकुलर जीन मतलब जो उसके पास जीन प्रेजेंट होते हैं उसमें तो ओवरऑल एनहांसर क्या होते हैं ये डीएनए मतलब डीएनए में ही होते हैं एक शॉर्ट रीजन ऑफ डीएनए होता है वहाँ पर क्या होते हैं प्रोटीन से ये बाउंड होता है प्रोटीन्स होते हैं उसके बाद ये फिर क्या करते हैं नाहन सर कि ये ट्रांसक्रिप्शन के रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं जीन के